Hi beautiful angels, this is Mystic C from Magic Wins Tarot Hindi Urdu Friends और ये है आपके लिए नई reading friends. आपके love work और career कैसा रहेगा in the year 2024 for Leos. जी हाँ, channel को subscribe, like, share कर लो, Instagram पे join कर लो, personal readings लिए visit our website. This is so to buy a personal reading friends, please visit our website. Also आप चाहो तो Instagram वगैरह से भी चेकआउट कर सकते हो. यहाँ के मैं जो कई लोग कह रहे थे कि उनको notifications ही नहीं मिल रहे हैं इस channel के, तो फ्रेंड्स मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ हमेशा नए वीडियोस. मेन चैनल मैजिक विंस टैरो पे भी मैं पोस्ट करती हूँ, अगर मैं यहाँ भी कोई वीडियो आ रहा होता है तो आप वहाँ से चेकआउट कर लिया करो. और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट. ओके, एंड 2024 की लव रोमांस अगर आप देखना चाहते हो पिक अ कार्ड तो लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है. जनरल पिक अ कार्ड देखना चाहते हो उसका लिंक भी टाइम स्टैम्प्स में है. सो जल्दी से चेकआउट कर लो. लेट्स सी लियोस और नेक्स्ट 30 डेज की मैंने रीडिंग कर दी है, वो आप चेकआउट कर लो फ्रेंड्स, बिकॉज न्यू ईयर जैसा मंथ नहीं है नेक्स्ट 30 डेज. सो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट यू हाईली कि आप उसको जाके चेकआउट कर लो. अभी भी आप देख ही रहोगे कि एनर्जीज काफ़ी इंटेंस हो रही हैं और 2024 में मज़ा आएगा फ्रेंड्स. मैं इतना ही कहूँगी आपसे, और जनवरी से ही मज़ा ही आएगा. I don't know what is the best way to say it. I don't think so. It's a good year actually, but it's a year of choices. So आप check out करो उस reading को. It's काफी detail में है वो. तो चलिए देखते हैं आपका theme कैसा रहेगा in the year 2024. Okay, wow, the hermit. So Leo's definitely ये year आपके लिए काफ़ी सोच विचार का रहने वाला है. I also feel कि ये year में आप हो सकता है you know जैसे प्रिपरेशन और प्लानिंग का ईयर नहीं होता है, वैसा लग रहा है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर प्लानिंग, यू नो व्हाट यू वांट, यू विल वर्क फॉर इट. द एम्परर, येस, यू आर इन अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप रोल लियोज. आई ऑल्सो फील कि आपको प्रमोशन मिल सकता है इस ईयर के अंदर. आप एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप रोल में हो सकते हैं. लव है, करियर है, फैमिली है. आई ऑल्सो फील कि आप अपने स्पिरिचुअल उस साइड से बहुत ही कनेक्टेड रहेंगे बिकॉज हर्मिट की एनर्जी है. सो यू विल बी वेरी वेल गाइडेड एंड सपोर्टेड दिस ईयर फ्रेंड्स, विच इज़ वंडरफुल. टेन ऑफ वॉन्स, आई फील आपके लिए बहुत बिजी ईयर रहने वाला है, विच इज़ द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस ईयर फॉर यू. आप पे काफ़ी हो सकता है कई बार आपको लगे कि यार प्रेशर्स बहुत हो गए या काम बहुत हो रहा है इस ईयर के अंदर, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, या जैसे आप सिंगल थे तो यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप जो कि यू नो इट्स गुड, बट यू नो यू गेट बिजी, यू गेट बिजी जब सब कुछ हो रहा होता है लाइफ में. सो आई ऑल्सो फील के दिस इज अ ईयर जहाँ पे आपको अपना वर्क और लाइफ बैलेंस बनाना पड़ेगा थोड़ा सा. बाकी आई फील दिस इज अ गुड ईयर फॉर यू टू ऑफ स्वॉर्ड्स. या आई ऑल्सो फील के इस ईयर में आपको एक ही जगह प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, अपने इंट्यूशन से. जहाँ आप वैसे बहुत ही अच्छा ईयर है आपके लिए, बट समटाइम्स यू मे फील कि यू नो अभी ये काम छोड़ दिया जाए या कर लिया जाए, थोड़ा सा यू नो आप रेस्ट नहीं करोगे. जैसे आपको कहा जा रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है आपको कि अरे यार अब ये बहुत हो गया है, लेट्स जस्ट नॉट डू इट, लेट्स जस्ट रिलैक्स, और अभी आज छोड़ देते हैं, मंडे करेंगे, वीकेंड रेस्ट कर लेंगे. सो दैट यू मे नॉट लिसन. सो यू आर इन अ स्ट्रांग लीडरशिप रोल और आप You just want to keep leading. You may not want to rest this year. So that is one thing that you have to keep in mind. बाकी ये बहुत अच्छा year लग रहा है. Let's see the first starting of the year कैसी रहेगी. Mid of the year कैसा है आपके लिए, end of the year कैसा है, let's see. ओके, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 8 ऑफ कप्स है. सो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ख़त्म करके ईयर को स्टार्ट कर रहे हो. हो सकता है आप किसी जॉब को छोड़ दो, या रिलेशनशिप से आप कम आउट कर रहे हो, या हार्ट ब्रेक हुआ है, या आप कोई स्कूल कॉलेज छोड़ रहे हो, तो उस वजह से आप थोड़े से उदास हो सकते हो. बट आई फील यू आर गोइंग टू हैंडल दिस चेंज वेरी वेल. टू ऑफ वॉन्स, यू आर वेरी मैच्योर फ्रेंड्स, यू हैव ऑल द आप में पूरा वो है एनर्जी या समझदारी टू हाउ टू हैंडल दिस चेंज. आई ऑल्सो फील हो सकता है आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बहुत अच्छा टाइम है टू क्विट बैड हैबिट्स. यू नो कोई बैड हैबिट अगर आपके अंदर हो रही है, या यू आर ड्रिंकिंग सॉरी, या बहुत ही कुछ मतलब यू आर ईटिंग अ लॉट, और आपका वर्कआउट शेड्यूल, या यू नो आप कम पढ़ रहे हो.
तो यू नो एनी बैड हैबिट दैट यू हैव, इट्स अ गुड टाइम टू ओवरकम इट. इनफैक्ट आप बहुत ईजिली ओवरकम कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दिस इज द थिंग टू यूटिलाइज. कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में. आई फील फ्रेंड्स डेफिनेटली करियर चेंज का ऑप्शन है. मुझे लग रहा है आप लोग हो सकता है अपना जॉब छोड़ दो, अगर स्पेशली वो बहुत ही एक ड्रेनिंग सा जॉब था, बोरिंग सा जॉब है, वहाँ मेहनत बहुत है काम और सक्सेस कम है, तो यू मे एक्चुअली फील दैट यू नीड टू चेंज योर जॉब एंड करियर. या आप हो सकता है सच में स्टूडेंट भी हो तो भी आप अपना फील्ड वगैरह चेंज कर लो. एक कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. आई ऑल्सो फील लियोस के इस स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर जो ईयर है उसमें आपके लिए लव के अंदर जो है एक अच्छी सिक्योरिटी रहेगी, सेफ्टी रहेगी, बट यू विल हैव मोर चॉइसेस इन लव. आपको नए पार्टनर्स मिल सकते हैं. आई ऑल्सो फील के यू मे लीव अ सिचुएशन रिलेशनशिप एंड मूव इन टू अ न्यू रिलेशनशिप, या आपके पर्सन जो हैं दे माइट चेंज अ लिटिल बिट एंड यू विल फील लाइक दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप विद देम. सो मिड ऑफ द ईयर देखते हैं. वाओ, मिड ऑफ द ईयर फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. द फूल, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके लिए. हो सकता है आपको काम में एक नया रोल मिले, एक नया प्रोजेक्ट मिले, आपके बिजनेसेस में एक नया उत्थान होगा. आई ऑल्सो फील के डेफिनेटली आप हो सकता है सिटी या कंट्री चेंज करोगे और एक न्यू स्टार्ट आपके लिए, घर वगैरह चेंज करो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यू स्टार्ट. वाओ, एट ऑफ वॉन्स, आई डू फील फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो मिड ऑफ द ईयर, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल भी रहेगा आपके लिए. लाइक यू आर वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो इन दिस ईयर. जो भी मिड ऑफ द ईयर आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो उनके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. नाइन ऑफ कप्स आपका बर्थ मंथ हो सकता है इसमें मिड ऑफ द ईयर, तो आपकी बर्थडे के आसपास जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा रहेगा. आपकी विशेस कबूल होंगी. आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स. अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली अ गुड टाइम इन योर रिलेशनशिप इज़ कमिंग. आई ऑल्सो सी के अगर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपके रिलेशनशिप्स में प्यार मोहब्बत काफ़ी रहेंगी. शादी और ब्याह भी हो सकते हैं आपके मिड ऑफ द ईयर में. सो देर इज़ डेफिनेटली अ चांस ऑफ लव, रोमांस, मैरिजेस हैपनिंग मिड ऑफ द ईयर. हो सकता है आपकी ही शादी हो रही हो या आप किसी की शादी पर जाओ. ओके, लेट्स सी द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर फ्रेंड्स टेक सम रेस्ट. फोर ऑफ कप्स, बहुत ही भाग दौड़ करी है आपने पूरे ईयर में. सो अब लास्ट के 3-4 महीने रिलैक्स, रेस्ट करो. डोंट रश सो मच, डोंट वरी सो मच. द हायरोफेंट, आई डू फील फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एट द एंड ऑफ द ईयर. हो सकता है उनकी वजह से आपका थोड़ा काम बढ़ जाए, यू नो के उनसे मिलना है, फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, फैमिली की ज़रूरतें हैं, ये सब चल रहा है. सो अथॉरिटी, फैमिली, दीज थिंग्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई ऑल्सो फील कि अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ईयर एंड पे आपको स्कूल, कॉलेजेस, डिग्रीज और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. यू नो परमिशंस या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और या आपको इनका वेट करना पड़ सकता है 3-4 महीने का. सॉरी टू से दैट कि आप किसी परमिट का वेट करो और उसमें 2-3 महीने लग गए हैं, डिले हो सकता है. सो इसका ध्यान रखना है. पेज ऑफ कप्स, आपकी लव लाइफ अगेन बहुत अच्छी चल रही है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन इंपॉर्टेंट है. लियोस, आई फील डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे भी आपको नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं या आप किसी को इजहार मोहब्बत कर सकते हो. जैसे वो गाना भी है ना, सजन राजी हुए तो रोला नहीं पाएगा. आई डोंट नो, आई कांट स्पीक दैट, इट्स अ टफ लैंग्वेज जो पंजाबी उस गाने में. सो या सजन राजी हुए भी तो भी रोला नहीं पाएगा. सो या आई फील डेफिनेटली आपको ऐसी खुशखबरी मिलेंगी ईयर एंड पे जिनका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था. काफ़ी खुशनुमा आपके लिए रेंट रहेगा. बहुत सारे सेलिब्रेशंस और हैप्पीनेस लग रही है फ्रेंड्स, विच इज़ वंडरफुल. आई फील काफ़ी हैप्पी ईयर है. और आप शुरू में तो कंसिस्टेंटली आप वर्क पे ही फोकस या हार्ड वर्क ही कर रहे हो, बट बाद में आपका ईयर काफ़ी अच्छा हो गया. चैरियट मूव, येस आई डू फील इसमें इस साल में आप डेफिनेटली काफ़ी प्रोग्रेस करोगे अपने करियर में, रिलेशनशिप्स के अंदर. हाउस चेंज वगैरह भी हो सकता है. लिसन, आपको अपने आप अपने स्पिरिचुअल साइड से बहुत कनेक्टेड हो फ्रेंड्स. और मुझे लग रहा है सिर्फ लियोज में मैंने अभी नोटिस करा है ये, बाकी किसी भी साइन में इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड हैं. यू, आई फील एयर साइंस प्रोबेबली यू कैन से दे आर एक्चुअली, बट आई फील आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. सो लिसन टू योर इंट्यूशन, इट इज़ गाइडिंग यू वेल. एंड नेवर फील के आप हेल्पलेस या होपलेस हो. आपको कई बार लग सकता है ऐसा इस ईयर में, बट मुझे लग रहा है कि
बेसिकली आप कई बार इतना काम ले लोगे कि उसको कैसे हैंडल करें या कैसे फिनिश करें, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. ओ एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो मिरेकल्स आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए तो इस साल. होली लव फॉर सम ऑफ यू, दिस इज़ डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग लविंग कनेक्शन. आई ऑल्सो फील के अगर आपकी मैरिज वगैरह है तो उसमें भी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, या आई फील आप इनर वर्क कर रहे हो अपने लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने यू नो एनर्जी वर्क कर रहे हो, इनर वर्क, खुद को हील कर रहे हो. सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए. एंड व्हाट एल्स, लेट अस सी व्हाट एल्स. ओके ओके ओके. सोसाइटी, Say yes to all the wonderful invitations coming your way, excellent networking opportunities and new love interest for singles. So क्या बात है, आपका social circle तो बढ़ने वाला है friends, especially year end पे तो काफ़ी ज़्यादा आप socialize कर रहे हो. Surprise, a disappointment will be followed by a love surprise, an invitation could bring love to those who are searching. So बहुत ही अच्छा year रहे आपका और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले. और मैजिक विंस टेरो हिंदी उर्दू को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय.